हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग एवरी डे। सो टाइटल आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ठीक है जी। हम कर रहे थे सोलेंडिस डे के बारे में, ठीक है जी। पार्ट वन हम इसका कवर कर चुके हैं, आज हम इसका पार्ट टू करेंगे। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और बाकी की वीडियो भी आप वहाँ से वॉच कर सकती हैं, ठीक है जी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं हम, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है पार्ट टू का, ठीक है जी। सो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे पार्ट वन में। आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु एस्टेब्लिश्ड महलोक स्टेट, महलोक स्टेट की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बीरचंद, दुनीचंद, जगतचंद या रामचंद। आई रिपीट माई ऑप्शन, वीरचंद, दुनीचंद, जगतचंद या रामचंद। द करेक्ट आंसर इज वीरचंद, ठीक है जी। सो चलिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट टू का, हु एस्टेब्लिश्ड कुथार स्टेट, कुथार राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है वीरचंद, विधि चंद, जगत चंद या सूरत चंद। हु एस्टेब्लिश्ड कुथार स्टेट, ठीक है, कुथार स्टेट। द करेक्ट आंसर इज सूरत चंद, ठीक है जी। ओके जी, तो कुठार राज्य की स्थापना जो है वो सूरत चंद ने की थी, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, हु फॉर्म्ड कुनिहार स्टेट इन 1154, 1154 में कुनिहार राज्य का गठन किसने किया था। ऑप्शन है अभोज देव, रामदेव, वीरचंद या सूरतचंद। तो बताइए, अभोज देव, रामचंद, वीरचंद या सूरतचंद। द करेक्ट आंसर इज अभोज देव, ठीक है जी। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल, वेजा, हंदूर, भगत, कुंथार, महलोक आर प्रेजेंटली द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन इज शिमला, सोलन, ऊना या सिरमौर। मंगल, वेजा, हंजूर, भगत, कुंथार, महलोक वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है, ठीक है जी, प्रेजेंटली। सो द करेक्ट आंसर इज सोलन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास, विच हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी विद द हेल्प ऑफ लेप्लेस पॉलिसी। सो लेप्स पॉलिसी की हेल्प से लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस पहाड़ी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, ठीक है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर बाय लॉर्ड डलहौजी विद द हेल्प ऑफ लेप्स पॉलिसी। ऑप्शन इज भगत, बाघल, कोटी या कुठार। द करेक्ट आंसर इज भगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Baghal and Bhagat was the part of which district? What is your question? Baghal और भगत किस जिले का हिस्सा थे? Option is Sirmaur, Shimla, Solan या Bilaspur. The correct answer is Solan. ठीक है जी. Okay जी. तो बाघल और भगत जो है वो सोलन जिले का जो है वो हिस्सा थे. ठीक है जी. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास. ठीक है जी. Before independence, where was the summer capital of Patiala? I repeat my question. Before independence, where was the summer capital of Patiala? आज़ादी के पहले पटियाला की समर कैपिटल कहाँ थी? ठीक है जी. शिमला, नालंदा, मशोबरा या चैल? द करेक्ट आंसर इज चैल. ठीक है जी. ओके. आज़ादी के पहले पटियाला की समर कैपिटल जो थी वो क्या थी? चैल. ठीक है जी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का पार्ट टू का सोलन डिस्ट्रिक्ट का. क्वेश्चन नंबर 18 है. When Solan district was established? Solan जिले की स्थापना कब हुई थी ये बताना है. किस सन में हुई थी? 1966, 1971, 1975 या 1972? द करेक्ट आंसर इज 1972. सो आज का हमारा जो इस वीडियो के लास्ट पार्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट सोलन. ठीक है. इनमें से कौन जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं वर्तमान में सोलन का भाग नहीं है. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट सोलन. ठीक है. मांगल, वेजा, फ्रोच या बाघल. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज थरोच. ठीक है. ओके. और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है जी. इस डिस्ट्रिक्ट के आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 20 है. ठीक है जी. राजा दुर्गा सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ विच स्टेट. राजा दुर्गा सिंह किस राज्य के अंतिम शासक थे? ऑप्शन इज सुकेत, चंबा, नालागढ़ या भगत. द करेक्ट आंसर इज भगत. ठीक है. ये था हमारा आज का जो सेशन था. ठीक है जी. सो थैंक यू गाइस. बाय बाय.